गाइज यहाँ पर है मेरे पास आप सभी के फेवरेट एनर्जी ड्रिंक स्टिंग। और जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं या फिर कुछ काम करते हैं तब इस तरीके की जो एनर्जी ड्रिंक है इसका बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं। और इससे होता ये है कि हमें अपने काम के अंदर नींद नहीं आती है, थकावट महसूस नहीं होता है और हमें पूरी एनर्जी के साथ कंटिन्यू अपने काम पर फोकस रखने में मदद करता है। और इस बोतल के पीछे साफ साफ वर्ड्स में लिखा हुआ है कि हमें एक दिन के अंदर बिल्कुल भी दो बोतल से ज़्यादा कंज्यूम नहीं करनी है, नहीं तो सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम इसे पीने वाले नहीं हैं बल्कि इसे गर्मा गर्म कड़ाही में उबालने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, और फिर देखते हैं क्या ये जो हमारा स्टिंग है ये उबालने के बाद किस प्रकार की रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। तो शुरू करते हैं, आप लोग बस इस वीडियो के लिए लाइक का जो बटन है वो ज़रूर से दबा देना। तो गाइस स्टिंग को उबालने के लिए हमें सबसे पहले एक ठो कड़ाही की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं लेकर आ चुका हूँ यहाँ पर एक ठो लोहे की कड़ाही, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और साथ ही साथ हमें एक ठो चूल्हा तैयार करना होगा जो कि हम इन पत्थरों की मदद से फिलहाल यहाँ पर तैयार करने वाले हैं। तो अब जो है बिना देरी के चूल्हे को तैयार करते हैं और कड़ाही को गर्म करते हैं। तो गाइस फाइनली काफ़ी देर टाइम वेस्ट करने के बाद हमने इस चूल्हे के अंदर आग जला करके इस कढ़ाई को हाई टेम्परेचर के साथ यहाँ पर गर्म कर दिया है। और आप लोग देख करके अंदाज़ा लगा सकते हो, जैसे ही इस कढ़ाई के संपर्क में हमारा हाथ आता है तो तुरंत ही जलने लगता है। और आप लोग समझ सकते हो ये कितना ज़्यादा गर्म है। तो अब बारी है इसके अंदर स्टिंग डालने की। उससे पहले सेफ्टी पर्पज़ के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेता हूँ ताकि मुझे किसी भी तरीके की कोई दिक्कत, कोई खतरा, कोई परेशानी ना हो। और आप भी ऐसा कुछ भी कहीं पर भी ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो अब जो है बिना देरी किए स्टिंग को डालते हैं कढ़ाई के अंदर और उबालने की कोशिश करते हैं। और भाई साहब बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे सीधा हमने इस हाई टेम्परेचर गर्मा गर्म कढ़ाई के अंदर पूरा का पूरा स्टिंग डाल दिया है। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हल्का हल्का बबल उठना शुरू हो चुका है और मुझे लगातार मेहनत करना होगा, एक घंटे चलाना होगा किसी डंडे की मदद से और अच्छी तरीके से उबालना होगा, तब जाके कुछ नया क्रिएटिविटी हमें देखने को मिलेगी। तो अब जो है सीधा एक घंटे बाद की व्यू आपको दिखाते हैं और देखते हैं कुछ नया बदलाव, कुछ नया चेंजेस हुई है या फिर नहीं इस स्टिंग के अंदर। और यहाँ पर एक घंटे से ज़्यादा स्टिंग को उबालने के बाद की जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल आपके सामने है। आप लोग देख सकते हो जो पूरा का पूरा पानी है वो भाप बन करके उड़ चुका है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चीनी बची है, वो भी काले काले रंग का हो चुका है। और मुझे इस डंडे की मदद से अभी इस
कढ़ाई को अच्छी तरीके से साफ करना होगा, नहीं तो कढ़ाई के अंदर जम करके रह जाएगी और कढ़ाई नुकसान होकर डैमेज भी हो सकता है।